हार्वर्ड वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में कहा है कि हमारे सौरमंडल में मिला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ है, जो कोई धूमकेतु नहीं बल्कि एक एलियन प्रोब हो सकता है जिसे एलियंस ने पृथ्वी की जांच के लिए भेजा है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपे एक लेख के मुताबिक ओमुआमुआ एलियन सिविलाइजेशन द्वारा धरती के पास जानबूझकर भेजा गया है, जिसका उद्देश्य धरती के जनजीवन के बारे में पता लगाना हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के अब्राहम लोएब ने कहा कि जब से ओमुआमुआ की खोज हुई है तब से ही इसकी कई असामान्य विशेषताएं सामने आई हैं, जो इसे अजीब बनाती हैं, और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ये एलियन सिविलाइजेशन का एक ऑपरेशनल प्रोब हो सकता है। ओमुआमुआ का व्यवहार एक सामान्य एस्टेरॉयड की तरह नहीं है और न ही ये किसी धूमकेतु की तरह गैस छोड़ता है। ऐसा लगता है कि इसे कोई पीछे से धक्का दे रहा है, लेकिन ये बता पाना कि ये धक्का क्या है अभी मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसे सूर्य की रोशनी से आगे बढ़ने का बल मिलता है। लोएब ने कहा कि फिलहाल हमारे पास ओमुआमुआ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी इस पर हमारी रिसर्च जारी है। आपको बता दें कि ओमुआमुआ का हवाई भाषा में मतलब अ मैसेंजर फ्रॉम अ फार अराइविंग फर्स्ट है। इसकी खोज पिछले साल यानी 19 अक्टूबर 2017 को हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ओमुआमुआ क्या एलियन का स्पेसशिप है जो हम पर नजर रख रहा है, या फिर एक एस्टेरॉयड? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।